सो हेलो गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोगों को थैंक्स यार, इतने सारे लोगों ने कमेंट किए कि भाई आप होटल मैनेजमेंट के बारे में भी कुछ बताओ कि ऑस्ट्रेलिया में अगर अभी के टाइम पे एज ए होटल मैनेजर हमको काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, कितनी सैलरी मिल जाती है हमको, कौन कौन से रिक्वायरमेंट की हमको जरूरत पड़ती है वीजा के लिए। मैं आपको बताऊँ, कई लोगों ने इससे डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर रखा है, कई लोग फ्रेशर हैं, अभी पूछ रहे थे भाई एज अ फ्रेशर हमको कितनी सैलरी मिल जाती है, या फिर अगर हमको 1 से 2 ईयर का एक्सपीरियंस है फिर हम कितना तक अर्न कर सकते हैं। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर दूँ कि अगर आपने अपनी कोर्सेज कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो आप एक काम जरूर करना, आप कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस ले लेना, ठीक है। एक्सपीरियंस पे आपको बेनिफिट ये होगा, एक तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, और दूसरा बेनिफिट होगा आपको जॉब भी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर दूं, इसके लिए आपको कोई स्टूडेंट वीजा पे या फिर विजिट वीजा पे ये काम आप नहीं कर सकते, इसके लिए आपको वर्क वीजा की जरूरत पड़ेगी। और वर्क वीजा के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लगते हैं, तो वो चीजें मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको सैलरी बता दूंगा कि एज अ होटल मैनेजमेंट आपको सैलरी कितनी मिल जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो पहले आप डॉक्यूमेंट सुन लो, फिर आप अब डिसाइड कर लेना कि वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है तो हम काम कर सकते हैं। तो आप डॉक्यूमेंट पहले देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। देखो, पहला जो डॉक्यूमेंट है वर्क वीजा के लिए वो है आपका वैलिड पासपोर्ट, अगर आपने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया हुआ है तो पासपोर्ट जरूर बनवा लो, ठीक है। सेकंड डॉक्यूमेंट है वो है आपका बेसिकली फैमिली सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ती है, आपको प्रूफ ऑफ फंड की भी जरूरत पड़ती है वर्क वीजा के लिए, कि आप जितने दिनों के लिए भी ऑस्ट्रेलिया में स्टे करोगे उतने दिनों के लिए आपके पास पैसे हैं या नहीं है, जिसमें लिविंग कॉस्ट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। आपका प्रूफ ऑफ एकोमोडेशन लगता है, आपका बेसिकली पुलिस सर्टिफिकेट लगता है कि आपको पर कोई पुलिस केस या क्राइम ऐसा कुछ ना हो, आईएलटीएस आपको क्लियर करने पड़ते, इंग्लिश रिक्वायर्ड है तो इंग्लिश पे ध्यान देना काफी कंपलसरी है, तो इंग्लिश पे काफी ध्यान देना, ठीक है। फोर्थ है आप लोग का बेसिकली वो है आपका बैंक डिटेल, बैंक स्टेटमेंट्स लगते हैं जिसमें प्रूफ ऑफ फंड आपको दिखाना होता है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं वर्क वीजा के लिए, आपकी बेसिकली जितनी भी क्वालिफिकेशन कॉपी है सबकी सर्टिफिकेट्स आपको लगती है, तो बस ये सारे डॉक्यूमेंट है। अब बात करते हैं हम आपको होटल मैनेजमेंट पे सैलरी कितनी मिल जाती है। देखो, अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर आप फ्रेशर पे काम करते हो तो आपको लगभग 15 से लेकर 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको पर आवर मिल जाता है, बट अगर आप एक्सपीरियंस हो 2 ईयर 3 ईयर तो लगभग 15 से लेकर 35 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक भी लोग मंथली अर्न कर रहे हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है जो कि पर आवर पे है, ठीक है। तो बस यदि छोटे से वीडियो को डाउट कमेंट करो, बाय बाय, जय श्री राम।